सिटीलियन न्यूज़ चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। जिला कलेक्टर और जिला इलेक्शन ऑफिसर जी रवि नायक ने रिटर्निंग अफसरान को हिदायत दी कि वो कानून साज असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के मराकज के लिए आउट समेत तजावीज पेश करें। उन्होंने आज जुमेरात को महबूब नगर के करीब धर्मापुर में वाक़ जयप्रकाश नारायणा इंजीनियरिंग कॉलेज में महबूब नगर, जरचल्ला और देवरखदरा असम्बली हलकों के वोटों की गिनती के इंतजाम का मुआयना किया। कलेक्टर ने वोटों की गिनती के लिए हॉलों और ईवीएम्स को जखीरा करने के लिए स्ट्रांग रूम कायम करने के लिए दस्तियाब हॉलों का मुआयना किया। वोटों की गिनती की ड्यूटियों के लिए तैनात अफसरान को हुक्म दिया कि वो गिनती मराकज में अमला के लिए अलग अलग रास्तों का इंतजाम करें। इसी तरह उम्मीदवारों और इनके एजेंटों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाएं और मीडिया के नुमाइंदों की कवरेज के लिए भी इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ले आउट डिजाइन किया जाए और ले आउट के साथ तजावीज भी पेश की जाए। चूंकि तीन हलकों के वोटों की गिनती एक जगह पर हो रही है, इसलिए अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें कि एक हलके से ताल्लुक रखने वाले दूसरे हलके में ना मिले और इन्हें खसूसी इंतजाम और सहूलियात मैसर हों। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर और जरचला रिटर्निंग ऑफिसर एस मोहन राव, महबूब नगर रिटर्निंग ऑफिसर आर डी अनिल कुमार, देवरखदरा रिटर्निंग ऑफिसर, स्पेशल कलेक्टर नटराज और दीगर जिले अहदेदार मुतालका हलके के मराकज के तहसीलदार मौजूद थे। వచ్చేటప్పుడు అఫీషియల్ సెట్ నుంచి ఏజెంట్ అయితే బ్యారికేడింగ్ తీసుకుంటా కౌంటింగ్ ఆఫీసర్ ప్యాక్ చేస్తాను కంప్యూటర్ సెట్ లాస్ట్